वापस जाना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत कैची है। इनफैक्ट जब मुझे स्क्रिप्ट आया तो सबसे पहले नेचुरली जब टाइटल पढ़ा तो आप भी क्यूरियस हो रहे होंगे, यू नो, वैसे ही मैं भी क्यूरियस था, इंक्विजिटिव था। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि अच्छा ये टाइटल क्यों रखा गया है और ये ये बताओ सर थोड़ा बहुत कहानी। नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली एक डाउट, जो एक एक शक होता है, एक डाउट होता है किसी के भी, इंसान के भी दिमाग में अगर कोई डाउट आ जाता है, शक आ जाता है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, तो वो शक कहाँ तक जा सकता है, किस हद तक वो डैमेज कर सकता है किसी रिलेशनशिप को। सो इट्स बेस्ड ऑन दैट। अभी कॉमेडी सीन एक करके आए हैं और एक करने जा रहे हैं। देखिए, हम तो ये, मैं पर्सनली तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं कभी भी बिलो द बेल्ट ना जाऊँ। आज तक मैंने जितना भी काम किया ओवर द बेल्ट ही किया है। तो कोशिश ये हमेशा करता हूँ कि साफ़ सुथरी चीज़ हो, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जितनी अच्छी और जितनी साफ़ सुथरी चीज़ होगी उतनी उसकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होगी। जैसे मैं, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मेरा पर्सनल, चश्मे बद्दूर, जो कि आज इसको लगे हुए 40 साल हो गए ना, अभी भी मुझे लोग अभी भी मिलते हैं कि मैंने कल देखी, वो बोलता मैंने परसों देखी। क्यों? बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन यही चीज़ उसमें अगर गंदगी डाल दो तो वो एक बार आदमी हंसता है बस, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। देखिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ है हर किसी की, और इसमें यही एक रास्ता है जहाँ पे लोग एंटरटेन होते हैं कुछ देर के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉमेडी जोन होना ही चाहिए, क्योंकि इंसान पैसा खर्च कर रहा है, अगर वो टीवी देख रहा है या फिल्म देख रहा है तो वो वसूल होना चाहिए, इंसान खुश होना चाहिए देख करके, रोना नहीं चाहिए। तो मैंने तो शुरू से ही कॉमेडी शोज़ ही किए, तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव तो बहुत ही अच्छा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ फॉर द प्रोजेक्ट, और मेरा रोल भी इसको जिस तरीके का है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने कामों में बिजी होते हैं या समटाइम्स उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। सो मेरा रोल वही है कि मैं बच्चों, मतलब कि मेरी जो बच्ची बनी है उसमें, और फादर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, उनको किस तरीके से मैनेज करती हूँ। एंड यस, नाम जैसा है मेरा बाप कौन है, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा और कुछ क्या है इस सब्जेक्ट में। तो जैसे ही साजन जी से बात हुई थी तो आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट डू इट, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। एंड यस, जाकिर सर के साथ एंड राकेश जी के साथ, मैम, एवरीबडी, हमारी कास्ट बहुत खूबसूरत है और बहुत ही यू नो अपने अपने कैरेक्टर को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी टेक आपका ये कॉन्सेप्ट है, क्या अलग करने की कोशिश करेंगे आगे चल के, और इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बड़े प्लेयर्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, किस तरह से डिफरेंट कॉम्पिटिशन हर मार्केट में होता है, बट वी वुड लाइक टू मेक समथिंग न्यू। कंटेंट जो है वो रेगुलर कंटेंट से अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग था, वापस आके इस ऐप पे नए कंटेंट को सर्च करोगे उसी हिसाब से हमारा प्लान है। मैम, आप क्या स्टोरी, हर स्टोरी अलग अलग है, हर टॉपिक एक यूनिक रहेगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा मिले देखने को और लोग देखना चाहें ऐसी चीज़ों को, कि बच्चों के साथ भी हम बैठ कर देख सकें, उसको अवॉइड नहीं कर पाए। सर, आप बताइए आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बारे में। एक्चुअली वो आप लोग सुन के हंसेंगे, जब भी माँ बाप बचपन में डांट देते हैं या कुछ ऐसी 6-7 साल की जो एज होती है उसमें बड़ा गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इनका बच्चा हूँ भी कि नहीं। ये मुझे भी महसूस होता रहा काफ़ी सालों तक कि हर बच्चे को होता है, कहीं से मुझे मंदिर की सीढ़ी से या मस्जिद से उठा के तो नहीं लाए थे, डांट देते हैं हर बात को। तो काफ़ी साल तक ऐसा रहा, फिर जब नहीं तो पैदा हुआ था, देख दादी की बहुत मोटी है, अच्छा तो नहीं होगा, तो वो एक दौर आता है हर बच्चे के, हर किसी के उसमें, कि शायद इतना क्यों डांटते हैं, उतना क्यों मुझे डपटते हैं।
तो ये मेरे माँ बाप असली हैं या मैं इनका बेटा हूँ या बच्चा हूँ कि नहीं। ये दो तीन साल हर बच्चे की लाइफ में आते हैं, आते हैं दौर आते। तो वैसे ही इस बच्चे की लाइफ में कुछ ऐसा शक आया है, ऐसी दौर से गुजर रही है, वो इस तरह से उसको सॉर्ट आउट करती है इन ए फनी वे, इन ह्यूमरस वे, और उसमें एक मैसेज भी है कि बच्चों को थोड़ा संभल के ट्रीट किया जाए, कैसे किया जाए, पर वो हो नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये बातें आ ही जाती हैं जो कि हमारे दिमागों में भी रही, तो इसलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा लगा और करीब का है और अपने से जुड़ा हुआ लगता है। बाकी तो साजन भाई हैं सर, आपसे हम चाहते हैं आपका क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन जो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर और जो स्टोरी टेलिंग जी। मैं तो हमेशा जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एक एज ऑडियंस पढ़ता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि ये फिल्म मुझे दिख रही है और मुझे कैसी लग रही है। मुझे अगर एंटरटेनिंग लग रही है या मूव कर रही है किसी भी वे में तो मेरा मन करता है कि मैं करूँ। ऑब्वियसली जब मुझे पता चला कि साजन जी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये स्टार कास्ट हैं, सब लोग एक्चुअली ऑलरेडी, मैं शायद सबसे आखिर में लॉक हुआ था तो सब लोग ऑलरेडी जुड़ चुके थे, तो जब पता चला कि ये नामी शख्स सबके सब जुड़े हुए हैं, सो पहले तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, नरेशन बहुत अच्छी लगी, और फिर इनके साथ काम करने का पहली बार मौका मिल रहा है, सो मैं उसको गवाना नहीं चाहता था, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई पिक दिस सब्जेक्ट अप एंड डूइंग समथिंग। आई एम प्लेइंग अ फादर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने थोड़ा सा आई हैव केप्ट माई सेल्फ अवे कि नहीं, बट क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इस स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी है इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको दूर कर दिया जाए अपनी ज़िंदगी से, एंड लेट्स जस्ट प्ले अ फादर फर्स्ट टाइम। आप बताइए आप क्या कहेंगे, पहले तो क्या एडुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट में आना कैसे हुआ? मैं फिर से एडुकेशन उसमें आपके दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी और मम्मी डैडी भी हैं, स्टोरी कैसे लग रही है इंसान आपका? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत सारी सीन्स भी हैं जिसमें मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ और पता लगा रही हूँ कि मेरा बाप कौन है तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है, जो जितनी भी स्टार कास्ट है सब बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जो हमारा डायरेक्टर है साजन सर और जिनका जो ऐप है वो लोग बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही केयरिंग है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। जब हमारी पहली मुलाकात से बात हुई तो बहुत रेयर लोग ही होते हैं जो इस इंडस्ट्री को इस तरह का विजन रखते हैं। बच्चों के बारे में बहुत कम काम होता है, आप और हम सब जानते हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट पर हम लोग बहुत भागते हैं काम करने से, और ये बहुत एक छोटी सी कहानी है, छोटे से मुद्दे पर इतना प्यारा कहानी साजन सर ने लिखा, उसके बारे में कहना भी जब वो आएगा तो आपको पता चलेगा। और हमारी कोशिश है कि हम अपने प्रोडक्शन हाउस की ओर से और मैडम और सर के साथ मिल करके और भी इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच में लेकर आए, उसकी प्रस्तुतिकरण करें। और सबसे बड़ी बात, एक्टिंग इंस्टीट्यूट के एक तरीके से आपका ये पुरोधा है, या ये कहिए कि टेली इंडस्ट्री के जन्मदाता है, जब टेलीविजन पर जब सीरियल प्रारंभ हुआ उस समय से सर जुड़े हुए, राकेश बेदी सर हैं, फिर कल हमारे एक और सर आ रहे हैं जिनको आप सब लोग लल्लू के नाम से जानते थे, और वो भी आएंगे कल। कल सपना जी ने सपना से खबर ने भी कब किया है बुआ का करेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। और शीला डेविड जी काफी टाइम बाद दिखाई देंगी आपको, शीला शर्मा जी, सॉरी मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ, शीला शर्मा जी भी आपको काफी टाइम बाद, बहुत अच्छी वेब सीरीज है और सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया है, इतनी अच्छी इतनी प्यारी कास्ट आपको दिखाई दे रही है, और ये बच्ची तो लाजवाब, हमको ये गजब है, ये मैजिक है ये बच्ची, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा काम कर रही है और हमको भी सीखने का मौका मिल रहा है, काफी समय से काम कर रहे हैं लेकिन एक नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट को लेकर एक ऐप आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐप बच्चों के बारे में सोच रहा है ये उससे भी बड़ी बात है, ऐप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं ये आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं, और उस जगह की कोई नैतिक जिम्मेदारी को सर समझ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और यही हम लोग की सोच है, कोशिश है कि इसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, क्योंकि ये मोबाइल जिस पर ये आएगा या जिस जगह पर दिखाई, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो एडल्ट फिल्में दिखाते हैं, हम चिल्ड्रन फिल्म दिखा रहे हैं, है ना? और उस जगह पे टेलीविजन को फैमिली ऑडियंस को हम लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग टारगेट करते हैं यूथ एज सच, बट फैमिली
फैमिली के साथ आप बैठ के एंटरटेन हो सकते हैं। और सर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस मैं यही कहूँगा, बताऊँगा तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा ज़रूर। और सबसे निवेदन है कि हमारे ऐप के बारे में, ऐप को डाउनलोड करके ऐप के बारे में भी काम करें, और हमारी ये कोशिश है कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट दे, और आने वाले समय में भी इस ऐप के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखने को मिलेगी, आज के टाइम पे जिस तरह से एक्टर्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि सारे डायरेक्टर्स जो अच्छे हैं, जो अच्छा लिखते हैं, राइटर्स, हर किसी को मौका मिले, तो इस तरह स्टोरी डेक के जैसे अगर ऐप आते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है सबके लिए। और जैसा सर ने बोला था, बच्चों की मनोवैज्ञानिकता पे बहुत कम काम हुआ है, या तो फिर हम बच्चों को बिल्कुल ही बच्चा बना देते हैं जो सिर्फ गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, लेकिन उनका माइंड सेटअप क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, और क्या असर पड़ता है बड़ों का और सोसाइटी का बच्चों के ऊपर, और वो अपने हिसाब से कैसे मैच्योर होकर उसे हैंडल कर रहे हैं, तो ये सब इस कहानी में है। और मेरे ख्याल से ये फिल्म बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी पसंद करेंगे, और उनके लिए भी काफ़ी कुछ होगा सीखने। मैम, जिससे पंचायत और मुल्क में आपका रोल रहा है, क्या इस तरीके का रोल रहेगा या फिर अलग डिफरेंट टाइप का रोल? देखिए, है तो कॉमेडी का तड़का तो है इसमें भी, हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर कुछ अलग थे और ये अलग है। और यहाँ पे जो मेरे को-स्टार्स हैं, मतलब मैं अपने को शुक्रिया करती हूँ साजन सर का कि मुझे मौका मिला, मैं जाकिर भाई और राकेश सर के साथ एक साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिस इज लाइक इट्स आई फील वेरी फॉर्चुनेट। राकेश सर, लेकिन जहाँ तक ओटीटी की बात है, वेब सीरीज की बात है, काफ़ी सारे फिल्म कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने यादगार रोल निभाया है, उन्हें एप्रिहेंशंस है कि हाँ वो वेब सीरीज में काम करें, क्या क्या करना चाहेंगे, ये फिल्म को ज़्यादा अहमियत देना कलाकार के तौर पर? अभी तो सारी की सारी लाइन्स ब्लर हो गई हैं, वो ज़माना चला गया कि ये फिल्म है और ये वेब सीरीज़ है। आजकल क्या है कि हर एक्टर जो है वो कंटेंट का भूखा है, उसको अच्छे रोल का भूखा है, कोई एक्टर ये देखता ही नहीं कि मैं वेब पे जा रहा हूँ या मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। यू नो, मैंने अभी एक सीरीज़ की जो अभी आने वाली है, मनी हाइस्ट के ऊपर, मतलब एक बैंक रॉबरी के ऊपर, उसमें मैंने एक ऐसा रोल किया है जैसे रोल में मुझे लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक। यू नो, मैंने इस तरह का काम किया उसके अंदर। तो ये वो ज़माना चला गया कि यू नो, ये वो लाइन सारी अब मर्ज हो गई हैं। ये है ज़रूर कि हाँ भाई, एक अच्छा काम मिलना चाहिए। बल्कि अभी वेब के अंदर तो ये हो गया कि अगर आपकी वेब सीरीज हिट हो जाती है, सपोज अगर हिट हो जाती है, तो वो ना जाने कितनी लैंग्वेजेस में डब होगी, ना जाने कौन से देश में कहाँ देखी जा रही है, पता चला आप यहाँ बैठे हैं मंगोलिया में आपकी पिक्चर चल रही है, कोई लगा के बैठा है। यू नो, बिकॉज इफ इट्स गुड, कॉन्टेंट अच्छा है, तो उसकी कोई स्काई तो लिमिट ना हो, कोई अंत नहीं है उसका। नहीं, मैंने अभी वो गुल्लक वगैरह देखा तो अच्छा है, उसका कंटेंट साफ सुथरा कंटेंट है, आपको आप कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। यू नो, तो जहाँ भी कंटेंट एक आपको टच करता है, और कोई भी, मैं ये बात हमेशा ये बात मानता हूँ कि जो ख़राब चीज़ होती है, जो एक शॉर्टकट लिया जाता है कॉमेडी के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए, उसकी वैल्यू या लाइफ कभी हो ही नहीं सकती। आज आप श्रीमान श्रीमती की बात कर रही हैं, उस बात को 25 साल के बाद आप उसको याद कर रही हैं, और याद करते हैं आपके चेहरे पे स्माइल भी आ गई। यू नो, सम्मान मिल रहा है, वो वैल्यू मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए।
हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है और हम जैसे लोगों के लिए कि भाई जो फिल्मों का एक अपना दायरा होता है, उसका अपना एक गणित है, गणित है, और उसमें आप तो सिर्फ इसीलिए वो उसमें सारी कहानी हीरो पे शुरू होती, हीरो पे खत्म हो जाती है, तो आप उसमें फिलर के तौर पे हो, तो आपके टैलेंट को या आप क्या कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने का जो माध्यम है वो सिर्फ OTT है, टेलीविजन भी नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि उसका भी फॉर्मेट जो है चुराया हुआ है फिल्मों से, तो उसमें भी आपको वो TRP ओरिएंटेड है, TRP है, तो फिल्म के अंदर मतलब OTT के अंदर क्या है कि वहाँ पे पैरामीटर वो नहीं है कि हमको ऐसा सा चेहरा चाहिए या हमको ये वाला हीरो चाहिए, कंटेंट ओरिएंटेड है और उसमें जो सूट करता है वो ज़्यादा ले लिया जाए। सर आपसे ये जानना कि आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर का ज़माना है, कास्टिंग भी होती है फॉलोअर्स को देखकर, तो ये कहाँ तक आप बेसिकली करवाते हैं? हाँ, वो टेलीविजन में ज़्यादा है सर, आपसे जानना था। अच्छा, नहीं वो सर OTT में भी बहुत ज्यादा है, दिस इज देयर, कुछ लोग हैं, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, आई थिंक ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आई मीन आइडियली इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे हूं एक्टिव, लेकिन कभी कभी त्रस्त आ चुका हूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये दिस इज बिकम एन ऑब्लिगेशन फॉर एक्टर्स आल्सो, हमें ये बहुत बड़ा प्रेशर है फॉर एक्टर्स की, यार कुछ करना ही है, बिकॉज़ फॉलोअर्स का है, लोग हर दिन मतलब मुझे समझ नहीं आती, हर एक्टर मैं उठ गया, मैं जाग गया, मैं ब्रश कर लिया, मैंने नहा लिया, मैंने कल नए कपड़े खरीदे, यू नो ये क्या है मतलब, ये एंड यू नो व्हाट, ये एक्टर इसके इससे माइंडसेट, इसके एक्टर्स शिकार होते जा रहे हैं, जैसे इसने कहा अभी, यू नो कि आप इस बात के शिकार होते जा रहे हैं। पहले सर सिर्फ ऑडिशन मांगा जाता था, ऑडिशन मैंने नया घर खरीदा, मैंने नई गाड़ी खरीदी, कितने फॉलोअर्स हैं मैम वो भी बता दीजिए, लेकिन मैं दिस इज वेरी आर्टिस्ट ढूंढता हूं, मुझे तो पता ही नहीं होता है कि किसके फॉलोअर है, मैं एक्टर ढूंढता रहता हूं। हां, नहीं अच्छी बात ये थी, ये हम हमारी बात हो चुकी है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि साजन जी ने जब मुझे कॉल किया था तो ये मेरा ज्यादा उन्होंने थोड़ा बहुत काम देखा था मेरा, सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, प्रॉपर नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, तो बात करके जो हमारा डिस्कस हुआ 5 मिनट का, उसमें मुझे लगा कि एक्टर चाहिए था जो वो, जैसे एक लड़की ने वीडियो डाला कि मैं जैसे मैंने बताया मैं उठ गई, फिर मैंने ब्रश कर लिया, फिर मैंने नहा लिया, मैंने कपड़े पहने, तो मेरे दिमाग में आया कि नहाते नहाते वीडियो क्यों नहीं शूट किया यार, वो भी करना चाहिए था। एक्चुअली हम कैसे लोग हैं, हमने टीवी का वो भी ज़माना देखा है जब कुछ नहीं आता था, हमने वो भी देखा है जब सीरियल शुरू हुए थे, हमने वो भी देखा है जब लोग सोचते थे कि टीवी नहीं करना चाहिए, छाप पड़ जाएगी, या फिर जब धार्मिक सीरियल शुरू हुए और यार हम नहीं करेंगे, फिर बाद में लोग धार्मिक सीरियल करके स्टार भी बन गए, बाद में उसके बाद कि नहीं यार फिल्मों के ऊपर असर पड़ेगा हमारी, तो लोग टेलीविज़न से स्टार बन गए। मैंने खुद दो महीने लगाए थे, ये जो है ज़िंदगी जो मेरा शुरू हुआ था ये सोच करने के, मैं करूँ कि नहीं करूँ, 2 महीने लगाए मैंने। तो टेलीविज़न से स्टार बनने लगे लोग फिल्मों में, जो सबसे बड़े आज के सुपरस्टार हैं वो तो टीवी के एक्टर थे, शाहरुख खान साहब, बाद में और बनने लगे, तो सब जैसे कहा भाई साहब ने कि लाइनें ब्लर हो गई है, अब कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको परफॉर्मेंस आनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा हो। अभी जो टाइम चल रहा है आई थिंक वो एक्टर्स के लिए और एवरीबॉडी सबके लिए बहुत अच्छा है, कमाल का टाइम है बिकॉज अगर आपके अंदर टैलेंट है और तो आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से राइटर्स के लिए इतना बड़ा टाइम चल रहा है, अभी इतना बड़ा टाइम है, इतनी बड़ी मार्केट है। बड़ा सपना क्या है आगे चल के, क्या करना चाह रहे हैं? ये राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सपना देखिए, सपना कुछ नहीं है, सपना जी मेरे साथ है, सपना तो कुछ है ही नहीं, तो ये है कि अच्छा काम करते रहे, आपने देख लिया है, अच्छा काम करो, अच्छे लोगों के साथ करो, एक्टर सभी करीब करीब करते हैं, जाकिर भाई का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा भाई है मेरे, और राकेश जी और इतिहास है मेरा एक 30 साल का, सोमा जी हम जब मिलते हैं पूछिए मत, सुनीता जी कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ तो हम चल के जाते हैं ना, इन स्कूलों में जाना पड़ता है कि भाई कुछ सीखना है तो यहाँ बैठना पड़ता है आपके थिएटर में, तो ये बोलो, तो मेरे तो पूरी जर्नी थिएटर NSD एक्टरों के साथ रही है, क्यों राकेश जी तो पूरा वो चीज पूरा तुमने हमेशा देखा कि बिना एक्टर के मेरा कोई भी काम नहीं, जाकिर भाई तो खासतौर से
आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि काम तो बहुत है, मतलब इंडस्ट्री समय बहुत अच्छा है, लेकिन जितना प्रोजेक्ट है पहचान बनाना उतना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई आर्टिस्ट आता है तो अगर शो चलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है फिल्म प्रोजेक्ट नहीं चलता है शो नहीं चलता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, वो क्या कहना है? इसीलिए तो ओटीटी आए, फिर आएगा, फिर मौका मिलेगा, फिर की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी नहीं है कि पहले ही काम चल जाए। ठीक, मेरी लाइफ एक्सपीरियंस पता क्या बोलता है कि आप अच्छा काम अगर करेंगे ना, अच्छा, तो आपका काम कभी वेस्ट नहीं जाएगा। राइट, वो चले या ना चले उसके ये नहीं कि वो आज नहीं चला, लेकिन अगर वो अच्छा काम है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करने ही वाला है। 100% होगा। हमारी ये जो बच्ची है चिंकी, ये हप्पू के उठन पलटन की मेन लीड है और पिछले 5 साल से उसने अपनी एक पहचान बनाई है और इतने दिग्गजों के साथ उसे लग ही नहीं रहा, मुझे नहीं लगता उसने कहीं से महसूस किया कि कौन एक्टर है मेरे सामने, क्योंकि वो खुद अच्छी एक्टर और अच्छी ये हम तो बड़ी स्टार है इसलिए है ना नहीं है। थैंक यू।